पूरे देश में ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले को लेकर उपजे धार्मिक विवाद व धर्म विशेष के खिलाफ की गई एक कथित टिप्पणी के विरोध में आक्रोशित समाज द्वारा किए जा रहे विरोध व हिंसक प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिले के समाज सेवी के एस चौहान ने ब्रांड एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। पेश है ब्रांड एशियन न्यूज से हुई खास बातचीत के अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहिन खान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म की राजनीति को लेकर। जी हां दर्शकों, अगर किसी देश की शांति को भंग करना है, किसी देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद करना है या कहना है कि आपस में लड़ाकर राजनीति रोटियां सेकना है तो धर्म के नाम पर लड़ा दो और फिर देखो कि देश में किस तरह शांति व्यवस्था भंग होती है। हम शांति व्यवस्था किस तरह रहे और धर्म उसमें किस तरह आड़े आ रहा है, इसे लेकर आज चर्चा करने जा रहे हैं केएस चौहान जी से। केएस चौहान जी भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं और समाज सेवी भी हैं। इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपसे चर्चा करेंगे धर्म को लेकर जो राजनीति की जा रही है उस पर, तो सबसे पहले बताएंगे एक मुद्दा ज्ञान व्यापी मस्जिद का है, जो उस ज्ञान व्यापी मस्जिद को आप किस नजरिए से देखते हैं, संपत्तिवाद या फिर आस्था का प्रतीक? देखिए, ये विवेक का प्रतीक है। विवेक ये बोलता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही है वो चीज कही जाए। आज हो सकता है कि जैसे कोई कानून हम बनाते हैं तो उसको संशोधन करने के लिए क्यों हमारे पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो आज कानून बनाया है हो सकता है कि आगे चल के वो वहां की जनता के लिए, वहां के आबोहवा के लिए वो मुनासिब ना हो तो उसको बदला जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके। वैसे ही है कि जो ज्ञान व्यापी जो मामला है, जब बाहरी आक्रांताएं आई थी तो उन्होंने बाहरी आक्रांताएं एक क्या होता है कि उनको किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं, कोई मजहब से कुछ नहीं लेना देना रहता है, उन्हें सिर्फ राज करना है और राज करने के लिए ही वो धर्म का यूज करते हैं, धार्मिक चीजों को वो बढ़ावा देते हैं या उसे ड्रॉप करवाते हैं, या और भोले भाले लोगों का जो धर्म में आस्था रखते हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि एक्चुअल में धर्म क्या है। तो जो एक्चुअल में धर्म ये नहीं जानते हैं, जो जागरूक बहुत अच्छे से नहीं है, उनको बरगला सके, उनको एक चीज में बांध सके, इनको इमोशंस से खेल सके। और कभी भी हम कोई भी होता है तो हम आराध्य, हमारे जो लोग होते हैं, हमारे देवता होते हैं, आराध्य देवता होते हैं, हम किसी चीज से, किसी समाज से जुड़ना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं, तो उसके कारण हमें हमारे साथ खेला जाता है। ये विवेक का मामला है, कानून उसके हिसाब से संशोधन होते रहता है और राजनीति इसमें खेलते रहती है। राजनीतिज्ञों को जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम नहीं करते हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। सर, मेरा सवाल था जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, आस्था का प्रतीक इसको मान करके मुद्दा मानेंगे या फिर संपत्ति का? ये कहीं संपत्ति का मामला हो सकता है और कहीं आस्था का मामला हो सकता है। और हमारे देश की जो गीता है, हमारे देश की जो संविधान है, संविधान के हिसाब से जो कानूनी रूप से अगर ये जहां पर प्रॉपर्टी का मामला होगा तो वहां पर वो उस नजरिए से उसका अवलोकन किया जाएगा। और जहां संस्था आस्था का मामला होगा, आस्था किसी को ठेस ना पहुंचाई जा सके, हमारी जो जनता है वो ठीक से रहे और उनकी आस्थाओं के साथ ठेस ना पहुंचाई जाए किसी की भी, हमारा संविधान क्यों बना, कैसे बना है मालूम है कि आपकी भलाई हो लेकिन आपकी भलाई के लिए दूसरों का अहित ना हो। अगर दूसरों का अहित नहीं होता है और आपकी भलाई हो रही है तो संविधान उसकी छूट देता है और जज और कोर्ट जो है वो उसके हिसाब से फैसला देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला भी है और आस्था का मामला भी है और कानून के हिसाब से भी मामला है। अभी अब सुर्खियों में अगर मामला देखें तो नुपुर शर्मा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका गरमाया हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जिन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है,
उनके द्वारा की गई कथित टिप्पणी के बाद पूरे देश के मुस्लिम समाज में आक्रोश तो है, इस पर आपकी क्या राय? ऐसा बोलना कि पूरे देश के मुस्लिम समाज में आक्रोश है, और किसी भी, मैं ये समझता नहीं पर्सनली तौर पे, क्योंकि जो नुपुर शर्मा जी का ये व्यक्तिगत ये टिप्पणी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई समाज की टिप्पणी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो उनको कारण भी बताया गया है, निष्कर्ष जो 6 साल के लिए उन्हें किया गया है, तो उसमें ये भी बोला गया है कि जो आपने बोला है वो पार्टी लाइन में नहीं है, पार्टी लाइन के अनुसार नहीं है। पार्टी लाइन के अनुसार तो न्याय के हिसाब से बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी जो कार्यकर्ता है वो अपने हिसाब से नहीं, अपन संगठनात्मक हिसाब से चलते हैं। तो नुपुर शर्मा जी का जो बयान है वो हो सकता है व्यक्तिगत हो उनका तो, लेकिन ये एक पार्टी का नहीं हो सकता, एक देश का नहीं हो सकता। देश हमारा, देश का संविधान जो बोलता है वो देश के संविधान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है। जैसे हम बात फिर इसी मैटर की और इसी मामले की करेंगे, इस मामले को लेकर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर के दिगर राज्यों में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और आम घटनाएं आम हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरह की घटना भी देखी नहीं जा रही है। आप देखे होंगे, आपने मीडिया पे भी देखा होगा और ज्यादातर सोशल मीडिया में देखा होगा कि इस तरह की जो घटनाएं हिंसक है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही। क्या इसे राज्य सरकार की यानी वो करेंगे उसका अच्छा प्रयास, उसका एक तरह से कामयाबी, या फिर यहाँ के हिंदू मुस्लिम में भाईचारा? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो अपना शांति का टापू कहा जाता है पहले से। यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल हैं और भाईचारे में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम देखते हैं कि गुरुद्वारों में भी अपना इफ्तार की पार्टी की जा रही है, और दूसरी जगह भी मतलब कहीं मुस्लिम समाज शरबत पिलाते हुए दिखता है, कहीं मुस्लिम समाज कुछ वितरण करते हुए दिखता है। दिगर जो मुस्लिम या हिंदुओं के जो त्यौहार आते हैं या सिखों के आते हैं या किसी और समुदाय के जो त्यौहार आते हैं, वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मतलब प्रमोट करते हुए दिखते हैं। ये आपसी भाईचारा है, ये आज से नहीं, ये कोई भी सरकार, पहले पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके पहले फिर वो एमपी था, तो फिर अपना कांग्रेस की पार्टी की भी सरकार थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सरकार है, हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो आबो हवा है वो शांत है और यहाँ पर लोग भाईचारे में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यहाँ पर दूसरी निगाहों से बहुत ज्यादा देखा भी नहीं जाता है कि आप अमुक समुदाय के हैं या अमुक समुदाय के हैं। फिर मुद्दे पे हम आते हैं तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के, यहाँ पर जो प्रकरण है सबसे चर्चित मुद्दा ये है पूजा स्थल कानून का, इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि कोई निश्चित तय ही नहीं कर पा रहा है ये निर्णय, ये निष्कर्ष ये है, आपने देखा? नहीं, कोर्ट ने, कोर्ट अपनी कार्रवाई पूरी कर रहा है, कोर्ट के को, और कोर्ट जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। और संविधान क्या है? संविधान का एक एक शब्द क्या होता है? धार्मिक है। धर्म क्या है? पहले हम ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि धर्म क्या है। धर्म ये है जिसको हम सोचते हैं कि हम ये अमुक कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं वो हमारा धर्म है, या दूसरा मुस्लिम धर्म है या सिख धर्म है या हिंदू धर्म है, तो वो धर्म नहीं होता है। धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो उस समय करना सही है वो धर्म होगा। जैसे आज आपको अगर मान लीजिए किसी को पानी पिलाना जरूरी है और आप अगर नहीं पिला रहे तो आप अधार्मिक, आप नास्तिक, आप आस्था नहीं रखती। आस्था उसी को, नास्तिक उसी को बोला जाता है जो आस्था नहीं रखता। आस्था आपको, आपकी क्यों नहीं है? आपको, आपको पानी पिलाना चाहिए था तभी आप आस्तिक हैं, तभी आप धार्मिक हैं। धार्मिक वही होता है जो उस समय जो सही है वो करे। अगर मान लीजिए कि
और यही सब चीजें हमारे जो संविधान में लिखी गई है, और संविधान में एक चीज ये भी लिखी गई है कि अगर चाहें तो उसको संशोधन किया जा सके, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आज जो सही नहीं है वो हो सकता है कि सही कल हो, तो उसको संशोधन करके उस समय धार्मिक किया जा सकता है। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो एक धार्मिक किताब है। और मैं बता दूं आपको कि यहां पर जो भी दंगे होते हैं, जो ऊपरी तौर पे हमें दिखते हैं लेकिन वो ऐसा कारण नहीं होता है, कुछ और दूसरी शक्तियां भी लगी रहती हैं जो दंगा भड़काने में, दंगा करवाने में उनका सपोर्ट करती हैं। आज मैं ये कानपुर के जो एक हाशमी जिनका नाम आ रहा है कि दंगों के पीछे, उनका अकाउंट खंगाला गया, तो पिछले दो साल में 48 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आए हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से। ये विश्वव्यापी मतलब ताकतें हैं जो यहां पर दंगा करवाना चाहती हैं, और उनका मकसद अलग है, उनका मकसद कोई उनको कोई लेना देना नहीं किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपना मकसद साधना। जैसे अमेरिका का जो धंधा है वो है हथियार सप्लाई करने का। अब हथियार सप्लाई कब होंगे? शांति का वातावरण रहेगा तो हथियार सप्लाई तो नहीं होंगे, आप मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग बहुत दूसरे तरीके से करते हैं, आप लड़ाई करते हैं। आप आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका और अपना रशिया, ये दोनों के कारण ही पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हुई, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही हथियार के सप्लायर हैं सबसे बड़े। तो बाहर की शक्तियां जो हैं वो यहां पर लड़वाती हैं। नुपुर शर्मा जी का और ज्ञान वापी का तो अभी कुछ महीनों में ये मामला है, ठीक है, लेकिन पहले से ये तैयारी क्यों करेगी? कानपुर का जो रिपोर्ट आई है अभी, तो कानपुर में ऐसा लग रहा था कि प्रायोजित दंगे, पहले से सोच के रखा हुआ है कि दंगे करवाने हैं, ये मामला आ गया सामने तो इस मामले में दंगे करवा दिए। बाकी आपको हम एक जो जागरूक भारती है, हम जो एक जागरूक इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, वो कभी भी कोई भी हम मजहब में, हम कभी नहीं चाहते हैं कि मजहबी दंगे हमारे साथ हों या हमारे शहर में हो, मोहल्ले में हो, कभी नहीं चाहते हम, क्योंकि हम अपने पड़ोसी को क्या बोलेंगे कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, भाई है, हम उससे लड़ने लग जाएंगे? हमको हम चाहते हैं? हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग यूज करते हैं, ऐसी आबो हवा बनाते हैं जिससे हमें बचना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि इस टाइप के काम ना। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमेरिका को लेकर के, कि उसका काम हथियार सप्लाई करना है और एक तरह से वो दंगे फैलाकर उसकी उपयोगिता बताता है कि अब इस्तेमाल करने का समय आ गया। उनका कोई धर्म नहीं है, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। अभी मैं बता दूं आपको कि अमेरिका बहुत ज्यादा फंडिंग करता है यहाँ पर धर्म को, धर्मांतरण के लिए बहुत सारे लोगों की वो दुनिया संवार रहा है, लेकिन यहां से ज्यादा परसेंटेज में भिखारी अमेरिका में है। पहले उनको क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका, यहां पर फंडिंग क्यों दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति, इससे उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको अपना पैसा कमाना है, उनको शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली बनने के लिए ही पूरी चीजें की जाती है, और हम इसे कभी नुपुर के साथ जोड़ देते हैं, कभी हम इसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ जोड़ देते हैं, कभी कुछ किसी के साथ जोड़ देते हैं, ये कोई मामले नहीं है। सामने जो देखे जा रहे हैं, जो हिंसा बढ़ाने भड़काने के मामले, और सोशल मीडिया, आधी से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोजेक्टेड, या बोला जाए 75%। हाँ, सोशल मीडिया की हम बात करें तो लोकल अपने भारतीय जो है आपस में ही अलग अलग बयान टिप्पणियां, अगर अभी हाल ही में एक पैगंबर को लेकर टिप्पणी की गई, भिलाई में भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है ख्वाजा साहब को लेकर,
ये इस तरह की टिप्पणियों पर किस तरह विराम लगाना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर दंगा फैलाकर क्या राजनीति रोटियां सेकने के लिए लोगों की मंशा रही? देखिए, कुछ जो टिप्पणियां रहती हैं वो प्रायोजक रहती है, प्रायोजक प्रायोजन किया जाता है उनको टिप्पणियों बनाने में। कई लोग, कई हजारों लाखों लोगों की जीविका चलती है जो खुद मान लीजिए कि कोई विशेष समुदाय के हैं, मान लीजिए कि कोई खुद मुस्लिम है मान लीजिए, और मुस्लिम के खिलाफ वो सोशल मीडिया में वो टाइप कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, उसको बेचारे को अपना घर चलाना है जाके, राइट, उसको अपने को अपना घर चलाना है, और ऐसे वो उसको ये काम मिला हुआ है, क्या करेगा? मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी समाज की बात कर सकता हूं, मैं हिंदू के बारे में बोल सकता हूं, सिख के बारे में, मैं एक बात बता रहा हूं, एक आम जनता की परेशानी जो है वो सबसे पहले रोटी खाना है, अपने अपने परिवार को संभालना है, उसके कारण उसको जो काम मिल रहा है वो कर रहा है, इसका असर वो क्या आ रहा है वो इतना सोचने में उसको उसकी इतनी मंशा नहीं है कि मेरे पोस्ट के कारण इतने लोगों का खून बह जाए। और यह भी मैं बता दूं कि पहले पोस्ट डलवाई जाती है, उसके बाद वो भड़काई जाती है, दंगे करवाए जाते हैं, अधिकतर ऐसे ही होता है। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसका जो सही में आती है सामने, और जैसे कि आपने अभी भिलाई का मामला बोला, तो ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, और मैं दरखास्त करूंगा कि ऐसे मतलब हमें इस टाइप की टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से हो, संविधान हमारा यही बोलता है कि हमारे सुख के कारण कोई दूसरा दुखी ना, हमारी खुद की खुशी के कारण कोई दूसरा नाराज ना हो, संविधान सबसे पहले यही बोलता है। और यही संविधान हमारे को बोलता है कि हजारों हजारों बेगुनाह गुनाह का छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से ही हमारा कानून भी बना हुआ है। संविधान के हिसाब से जो सही है उचित है वो करना चाहिए। और भी क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम कट्टरता में आती है। हम किसी भी चीज में अगर कट्टर हो जाते हैं, कट्टरता बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, वो आपको बैलेंस नहीं रखती है, वो आपकी लाइफ के लिए भी खतरनाक है। कट्टरता मतलब सिर्फ आप उसके साथ जोड़ के मत देखिए, अपने अपने आराध्य के साथ जोड़ के मत देखिए, अपने मजहब के साथ जोड़ के मत देखिए। कट्टरता ये भी होती है कि मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ चावल ही खाना, अब आपको डॉक्टर बोल रहा है कि भैया आपको ग्रीन पत्ते की सब्जी भी खाना जरूरी है, आपको रोटी खाना भी जरूरी है, आपको दूसरी चीजें भी खाना जरूरी है, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि नहीं मैं तो कट्टर हूं, मैं तो चावल का समर्थक हूं। तो जो कट्टरता होती है, कट्टरता हम जब पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी हम बैलेंस्ड करके सोचना चालू कर देते हैं कि नहीं हमारे लिए सब्जी भी जरूरी है, हमारे लिए रोटी भी जरूरी है, हमारे को सिर्फ चावल ही नहीं खाना है। हाँ ठीक है, हमारे को पसंद है चावल, हम खाएंगे, लेकिन हमें दूसरी चीजें भी खानी है। तो कट्टरता जो है वो हमें छोड़नी चाहिए, और जितना आदमी कट्टर रहेगा उतना ही लोग उसका यूज करेंगे, यूज करते हैं। इस वजह से हमें कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। और कट्टरता क्या बोलती है, कट्टरता बोलती है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इसको ये करूंगा, अपना सजा दूंगा इस चीज में। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आज प्रॉब्लम ये है कि आपने गलत किया, मान लीजिए कि उन्होंने गलत किया, कोई किसी ने भी अपने आराध्य आराध्य देव का अपमान किया, तो कट्टरता क्या बोलती है कि आप उन्होंने गलत किया है तो संविधान के हिसाब से गलत है, इसलिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं इसलिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। जो आपका संविधान बोलता है, जो आपने सही है, उसी के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही चलना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, और उसी के हिसाब से चलना चाहिए, और हमारे कारण किसी दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, यही हमारा संविधान बोलता है। वर्तमान में भी धर्म को लेकर जो
माहौल देखा जा रहा है उस पर अपनी एक राय और एक अपील दर्शकों से क्या करना चाहेंगे कि आपसी सामंजस्य बना रहे और लोगों में कट्टरता की एक बात आपने कही, कट्टरता छोड़ के संविधान को फॉलो करते हुए आपसी सामंजस्य कैसे रहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किससे लड़ रहे हैं? हम पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई से लड़ते हैं, फिर हम शिया सुन्नी हो जाते हैं, फिर हम वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र से आपस में होते हैं, और उसके बाद फिर शूद्रों में भी कैटेगरियां निकल जाती है, ब्राह्मणों में भी कैटेगरियां निकल जाती है, क्षत्रियों में भी कैटेगरी निकल जाती है, उस कैटेगरी में भी फिर अपने पराये आ जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, क्या ये चीजें सही हैं, और सही के हिसाब से ही करना, हमें अपना काम करना चाहिए, और हर कौम को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए कि सही और गलत का वो निर्णय ले सके और उसके बाद स्टेप उठाए। जब तक हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेते हैं, तब तक हम गुलाम होते हैं। हम तथाकथित गुलाम अभी दूसरों के हैं, भले मतलब हम अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों के नहीं, हम पहले उसके पहले जो विदेशी आक्रांताएं आई थी वो उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया, हम उनके नहीं है। हम उनके गुलाम कब बने? हम जब हम शिक्षित नहीं थे, हम जागरूक नहीं थे, जागरूक बन गए और इस गुलामी से निजात पाई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की राजनीति और देश के भी वर्तमान माहौल को लेकर आपने बहुत सी चर्चा की और बताया कि किस तरह आपसी भाईचारे के साथ रहा जा सकता है। आपसे ला मैं तेरा प्रसाद खा लूं और तू खा ले मेरी शिवनी। जी हाँ, अभी भाजपा के मीडिया प्रभारी केश चौहान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने आपसी भाईचारे की बहुत अच्छी बातें बताई और धर्म के नाम पर ना हमें लड़ना चाहिए बल्कि जो संविधान है उसको फॉलो करते हुए कट्टरता को छोड़ करके आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और दूसरा, ये सोशल मीडिया में इस तरह जो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए अनर्गल टिप्पणियां की जा रही है उस पर विराम लगना चाहिए, तभी किसी हद तक के ये धर्म के नाम पर राजनीति करना भी लोग छोड़ेंगे और आपस में भाईचारा भी रहेगा। नमस्कार।